फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर प्रियोरिटी सेक्टर को इन सभी सेक्टर्स में कौन कौन से लोन दिए जाएंगे और उनकी क्या लिमिट रहेगी फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप बैंक प्रोमोशन से रिलेटेड रिकॉल्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको इन सभी टॉपिक्स का पीडीएफ भी अवेलेबल होगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्जेक्टिव बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर टू टू टायर सिक्स प्लेज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुख्य उद्देश्य देश के टायर टू से टायर सिक्स प्लेसेज में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना है लोन लिमिट मैक्सिमम रूपीज फाइव करोड़ पर प्रोजेक्ट बैंक लोन अप टू ए लिमिट ऑफ रूपीज फाइव करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर सेटिंग अप स्कूल्स ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी सैनिटेशन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट एंड वाटर इंप्रूवमेंट एट हाउस होल्ड लेवल टायर टू से टायर सिक्स प्लेस में जब किसी प्रोजेक्ट के द्वारा स्कूल का सेटअप किया जाना है ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी की जानी है सैनिटेशन फैसिलिटी है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट या फिर वाटर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड वर्क किए जाएंगे तो बैंक पांच करोड़ पर प्रोजेक्ट लोन दे सकते हैं जिसे कि प्रियोरिटी सेक्टर के अंडर कवर किया जाएगा नेक्स्ट लोन अप टू ए लिमिट लिमिटी टेन करोड़ पर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्लूडिंग अंडर आयुष्मान भारत इन टायर टू टू टायर सिक्स सेंटर जब लोन हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए दिया जाएगा जिसमें कि टायर टू से टायर सिक्स प्लेसेस में आयुष्मान भारत स्कीम को भी इंक्लूड किया गया है यहां लोन 10 करोड़ रुपए बोर ओवर दिया जाएगा जिसे कि प्रियोरिटी सेक्टर में कवर किया जाएगा नेक्स्ट देखते हैं रेन्यूएल एनर्जी फॉर प्रोजेक्ट लोन लोन थर्टी करोड़ पर बोर ओवर प्रोजेक्ट लोन कंसिस्ट सोलर पावर जनरेटर माइक्रो हेडल प्लांट्स बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर वाइन मिल्स नॉन कन्वेंशनल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटी जब लोन किसी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाए जो कि सोलर पावर जनरेटर माइक्रो हैडल प्लांट के लिए हो बायोमास बेस्ड पावर जनरेटर के लिए हो स्ट्रीट लाइटिंग जैसे कार्यों के लिए जब लोन दिया जाएगा तो लोन 30 करोड़ रुपए पर बोरोवर दिया जा सकता है फॉर इंडिविजुअल मैक्सिमम 10 लाख पर इंडिविजुअल यदि कोई इंडिविजुअल पर्सन भी इसी तरह का वर्क करता है तो उसे भी मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है जिसे कि प्रियोरिटी सेक्टर में कवर किया जाएगा नेक्स्ट अदर प्रियोरिटी सेक्टर से देखते हैं SSG, JLG, 1 ,00 1, ,00 या group, को दिया जाने वाला पचास हजार रुपए तक का लोन जिसमें कि पर्सन की, की एनुअल इनकम रूरल एरिया में एक लाख रुपए और अदर एरिया में एक पॉइंट साठ लाख रुपए है तो ऐसे लोन को प्रियोरिटी सेक्टर में कवर किया जाएगा लोन अप टू वन लाख रुपीज डिस्ट्रेस्ड पुअर अदर देन फार्मर फॉर डेब स्वेपरसन जो कि फार्मर नहीं है उसे एक लाख रुपए का लोन के लिए दिया जा सकता है तो उसे सेक्टर में माना जाएगा लोन अप टू 50 करोड़ फॉर स्टार्टअप क्लासिफाइड एज पीओरटी सेक्टर किसी भी स्टार्टअप प्रोजेक्ट के लिए प्रियोरटी सेक्टर के अंदर 50 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता है नेक्स्ट हम कुछ मिसलेनियस एस्पेक्ट देखते हैं इन प्रियोरटी सेक्टर से डिस्पोजल पीरियड ऑफ लोन एट बैंक लोन अपलिकेशन का डिस्पोजल पीरियड बैंक के डिस्क्रिप्सन पर होगा फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन रीजन इन राइटिंग टू बी गिवन टू अपेंट बैंक द्वारा लोन अप्लीकेशन के रिजेक्शन पर रीजन अप्लीकेट को राइटिंग में देना होगा रिजेक्शन ऑफ एस सी एस टी लोन एप्लीकेशन नो रिजेक्शन एट ब्रांच लेवल बट नेक्स्ट हाइयर एस सी एस टी कैटेगरी के पर्सन के लोन एप्लीकेशन का रिजेक्शन ब्रांच लेवल पर नहीं होगा नेक्स्ट हायर अथॉरिटी ऐसा कर सकती डाटा ऑन प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू बी सेंड टू आरबीआई ऑन क्वार्टरली एंड ईयरली बेसिस प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग का डाटा आरबीआई को क्वार्टरली ईयरली बेसिस पर भेजा जाएगा रिलैक्सेशन फॉर लोन अप टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड नो सर्विस फीस नो प्रोसेसिंग फीस नो इंस्पेक्शन चार्जेस नो मार्जिन एंड नो कोलेट्रल पच्चीस हजार तक के लोन पर कोई सर्विस मार्जिन कोलेट्रल नहीं लिया जाए फ्रेंड्स आज हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी अदर प्रियोरिटी सेक्टर को देखा नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी स्कीम्स को कवर करेंगे जो प्रियोरिटी सेक्टर के लिए बैंक में लागू की गई है Thanks for watching this video.